हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप सोच रहे हो अपना IVF या IUI करवाने के लिए, तो इससे पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या कैसे आपको रेडी होना है। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैंने IVF करवाया, IUI करवाया। IVF के साथ मेरी प्रेगनेंसी हुई और उसमें मुझे ट्वेंस प्रेगनेंसी हुई। जो भी मेरा ट्वेंस प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मुझे IUI के साथ भी प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, वो चली नहीं, इसलिए दोबारा से मुझे फिर IVF करवाना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको IVF या IUI करवाना है, आपको किसी भी ट्रीटमेंट के साथ जाना है, तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप थोड़ा अपना, आपको यही बोल देते हैं कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रोसेस, तो आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर लो, यानी कि अच्छा कर लो। मेरे डॉक्टर ने भी यही मुझसे पूछा कि पहले तो ये बता, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मेरे डॉक्टर ने पहले मुझे मेरी पूरी दिनचर्या पूछी कि तू ये बता, तू करती क्या है सारा दिन, मतलब कैसे अपना टाइम आप मैं स्पेंड करती हूँ। तो मैंने बताया अभी मैं 7-8 बजे जो भी है मेरा उठती हूँ, नॉर्मल चाय पीती हूँ, उसके बाद 12-1 बजे जाके मैं लंच और ब्रेकफास्ट ब्रंच करती हूँ, है ना, तो फिर शाम को कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ और बस फिर रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मतलब बीच में जो भी काम होते थे वो तो मैं करती थी। एक्चुअली जो मेरी लाइफ थी उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस लिया हुआ था, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग पे ये चीज़ चलती रहती थी कि मैं कोई भी ट्रीटमेंट ले लूँ। समझ सकते हो ना आप, मैं समझ सकती हूँ आपको जो मुझे मैसेजेस आते हैं। तो सबसे पहले देखो, डॉक्टर ने तो जो अपना काम करना है वो उन्होंने करना है, जो एक प्रोसेस चलना है वो अच्छे से चलना है। आपको क्या चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप सुबह के 5 बजे उठ के बैठ जाओ, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। वैसे तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है उठना, लेकिन अगर नहीं उठ सकते तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं कोई भी बॉडी शेमिंग नहीं करने वाली कि आप ये सोचो कि जो लोग मोटे हैं या फिर मैं उनके लिए ऐसे बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरे दिल में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम, अब मुझे देख लो, अब जब मेरे बेबीज हुए तब मैं बिल्कुल पतली सी थी, तब मेरा वेट बिल्कुल कम हो गया। अब मुझे बहुत फील हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ गया है। अब मेरा वेट जो है वो 67 kg के चल रहा है और मुझे काफ़ी फील होता है, कई बार मेरे कपड़े टाइट हो गए हैं और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अब बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा यार काम भी, आपको पता ही है कितना डबल हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि नहीं, अब मुझे अपना थोड़ा सा दोबारा से ना एकदम से ध्यान शुरू करना चाहिए, मैं बहुत गलत कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ। अब जैसे जैसे मैं बैठी रहूँगी, अब चलो मैं बैठी तो नहीं रहती, बच्चों के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। अब अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि डॉक्टर ही सब कुछ कर दे, आपको अपनी हेल्प सबसे ज़्यादा पहले आपको अपनी हेल्प करनी होगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है ना, तो प्लीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए। आप, मैं ये नहीं कह कि आप खाना छोड़ दीजिए, आप खाना खाओ लेकिन थोड़ा हेल्दी खाना खाओ। अगर आपका वेट, आपको खुद पता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, और देखो मैं सच बताऊँ कि सब ना कहने की बातें होती हैं कि मुझे PCOD है इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे थायराइड है इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी अपना वेट जो है वो कम कर लेते हैं, है ना। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लीजिए, ठीक है। आप एकदम से, अगर आपका नेक्स्ट वीक आपका IVF स्टार्ट होने वाला है या IUI स्टार्ट होने वाला है, तो आप एकदम से एक हफ्ते में तो अपना वेट कम कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने जो आप खाना पीना खा रहे हो, जो अपना लाइफस्टाइल आप जो आपने बनाया हुआ है उसको तो आप चेंज कर सकते हो ना। देखिए IVF में या IUI में आपको हाई प्रोटीन डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे, उतनी आपके जो सक्सेस है उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में, हमारे बच्चे को कंसीव करने में हमारी, हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे जितने भी हमारी दालें होती हैं, जितनी भी हमारे राजमा छोले दालें जो भी हैं, उसमें
भर भर के प्रोटीन है, हम क्यों ना थोड़ी देर के लिए हमारा जो बाहर का खाना पीना है उसे छोड़ के हम प्रोटीन लेना शुरू कर दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें लेनी शुरू कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना शुरू कर दें, आप जूसेस ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, है ना। अब देखो, अब आप अभी प्रेग्नेंट तो हुए नहीं हो, अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाती है कि आप नॉनवेज में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप उसको ले सकते हो, है ना। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि मुझे ये जो प्रोटीन है वो लेना कैसे है, डॉक्टर आपको एक अच्छा सा चार्ट बना के दे देंगी कि आप ये चीज़ें खाओ, आपको हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से, है ना। आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको है कि चलो इसमें मैं वेट लूज भी कर ही लेती हूँ थोड़ा सा, है ना, तो आप अपने जो अपनी डाइट है उसमें से थोड़े से कार्ब्स हटा दीजिए। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप पहले 2 करके देखिए, है ना, और सब्जी ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए कि आपको दाल अगर आपने बनाई है तो आप 1 कटोरी अगर दाल ले रहे हो और थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में चावल दे रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, तो चावलों की जो क्वांटिटी है उसको कम करके आप 2 कटोरी दाल खानी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाना शुरू कर दीजिए। अब देखो, अगर इस सीज़न में आपको आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो इस सीज़न में खीरा कितना ज़्यादा मैं कह रही हूँ भरा पड़ा है, तो आप उसमें तो वैसे ही 70% मैं कह रही हूँ 90% उसमें पानी ही होता है, उसमें कुछ होते नहीं है, तो आप उसको ले लीजिए। आप दिन भर बहुत सारा पानी अगर नहीं भी आप पी सकते, है ना, तो आप खीरा खाइए, इतना आपको फ़ायदा देगा ना ये खीरा। आप पनीर खा सकते हो, पनीर से बनी चीज़ें खा सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, है ना, तो आप पनीर खा सकते हो, आप छोले खा सकते हो, छोले चाट बना के आप खा सकते हो, वाइट चने, ब्लैक चने, आप जैसे भी आपका दिल करता है वैसे खाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं आपको कह रही है कि आप अपना खाना छोड़ दीजिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी आपने क्या डाइट फॉलो की, आप बताइए कि IVF से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ये चीज़ें आप कर सकते हो। देखो, इस चीज़ में आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को ही ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ये तो है नहीं कि सिर्फ आपकी लेडी के ही सारी चीज़ें होंगी। अब हस्बैंड के स्पर्म लिए जाएंगे तो डॉक्टर जो हैं उनको बोला जाता है कि जब आपको आपका सीरम टेस्ट होता है तो उसमें आपको अल्कोहल को थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, अगर आप सिगरेट वगैरह या फिर आप ऐसी चीज़ें कुछ लेते हो तो उसको आपको बंद करना ज़रूरी होगा। देखो, जो बच्चा है वो सिर्फ एक लेडी को ही नहीं चाहिए होता, वो जेंट्स को भी उतना ही चाहिए होता है, पूरी फैमिली को चाहिए होता है। अगर आप अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो भी एकदम से सारी चीज़ें वो उसके अकेले के हाथ में तो है नहीं, आपको भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप इतने पैसे भी लगा रहे हो, प्लीज़ जो लड़के जो जेंट्स मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, और जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड को ये वाले पार्ट ज़रूर दिखा देना जो मैं बोल जा रही हूँ आगे। देखो, फाइनेंशियल आप कितना अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, उसको कितना ज़्यादा आपका खर्चा, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत खर्चा होता है अभी, मैं यहाँ पे कोई आपको ना, यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बताने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई फालतू की चीज़ें नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप करवा लो, इतना खर्चा नहीं, बहुत खर्चा होता है और हिल जाता है बंदा। मैं हमारा घर, मुझे पता है कि हम कैसे हिल गए थे, इतना भी कोई, देखो हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर हायर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हर बार वही दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट, वही दोबारा दोबारा दवाइयाँ वही खानी पड़े ना, तो एक आप, मैं कहती हूँ कि ना एक बार जेंट्स खा के देखे इतनी सारी दवाइयाँ, पागल हो जाएंगे। इतनी बार आप अल्ट्रासाउंड या इतनी बार आप इंजेक्शन लगवा के देखो, ये एक लड़की फेस करती है चीज़ें, उसको चाहिए होती हैं, हस्बैंड को भी चाहिए होती हैं, लेकिन लड़की इससे ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। आप उसको इस तरीके से हेल्प कर सकते हो कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको थोड़ी देर के लिए ये सब चीज़ें छोड़नी है तो आपको ज़रूर छोड़नी चाहिए। ये नहीं है, देखो आपका भी इसमें उतना ही हाथ है जितना आपकी वाइफ का हाथ है इसमें, है ना। तो लाइफस्टाइल वो अपना एक अच्छे से चेंज कर रही है, आप भी थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करो। हस्बैंड को भी हेल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, हस्बैंड को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हस्बैंड को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं ये भी बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लड़की सपोर्ट ना कर रही हो, हस्बैंड बोल रहा हो कि नहीं तो ये चीज़ें कर, मैं तुझे ये भी ला के दूंगा, तो ये खाने की कोशिश कर, लेकिन हम बात नहीं मानते। ऐसा नहीं करना है आपको, आप अपना थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कीजिए। डाइट आपको आपकी डॉक्टर ऐसे लिख के देती है, आप, मुझे तो पता है, मेरे डॉक्टर तो मेरी ऐसी हेल्प करती थी, मैं उसको जो भी पूछती थी वो हर चीज़ मुझे बड़े अच्छे से बताती थी, ठीक है।
आप हेल्दी चीज़ें, आपको पता ही आजकल क्या क्या हेल्दी है, फ्रूट्स लीजिए, अच्छा अच्छा खाना पीना खाइए, पनीर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जूसेस लीजिए, आप थोड़े से कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, छोड़िए मत लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, चाइनीज़ फूड को अवॉइड कीजिए, है ना, इन चीज़ों को अवॉइड करके अपना अच्छा लाइफस्टाइल, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते थोड़ा सा वॉक स्टार्ट कर दीजिए, है ना, आपके पास 5,000 कदम कर लीजिए या फिर 4,000 कर लीजिए, इतना थोड़ा सा चलना फिरना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका ऑफिस का कुछ, आप ऑफिस करते हो, ऑफिस में बैठते हो 24 घंटे, आपको बैठना ही होता है 12 घंटे, तो देखिए अगर आपका ऑफिस में बैठने का टाइम है, आपको है कि आपको 8 घंटे की जॉब है आपकी, तो आप उसमें थोड़ा सा, जैसे ये तो आपको बिल्कुल नहीं वहाँ पे मना होगा, है ना, कि आप थोड़ी देर के लिए उठ नहीं सकते, है ना, थोड़ी देर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, बाहर ऑफिस के बाहर नहीं, आप अपना थोड़ा उठ के इधर उधर घूम नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ को लेके कि आप 8 घंटे के लिए एक ही जगह पे बैठे हुए हो और आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा उठिए वहाँ से, थोड़ा सा, थोड़ी सी वॉक कीजिए, मतलब थोड़ा सा इधर उधर जाइए और वापस आके बैठ जाइए, घंटे में, एक घंटे में एक बार कर लीजिए, थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप वापस आते हो जब उस टाइम पे, थोड़ी सी रात को खाने के बाद वॉक कर लीजिए, है ना, इस चीज़ों का, ऐसे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए तो आपको अपने, आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डाइट आप अपनी अच्छी रखिए, ये नहीं मैं बोलती कि आप बाहर का भी खाना, देखो छोड़ा तो नहीं जा सकता, अब हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा, सबका मन करता है कि चलो वीकेंड है कुछ ना कुछ खा लूं, लेकिन ये मत कीजिए कि आप हर दिन ही कुछ ना कुछ, आपका हर दिन, दिन में एक मील आपका बाहर से ही आ रहा है, वो तो फिर आप में आपको खुद ही यार नुकसान पहुंचा रहे हो, और फिर इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा लो, अगर आप अपनी हेल्थ खुद नहीं करोगे ना तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपनी, आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है कि अब अगर आप लेडी ही हो, अब अगर आप इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे तो फिर आप नहीं कर सकते। नेगेटिव नहीं कर रही आपको मैं, आप बिल्कुल भी यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको, अगर आप मेरी छोटी बहन हो, कोई मेरी एज से छोटी है, मेरी बहनों की जैसी हो, मैं आपको ये हक से ये बात कहना चाहूँगी कि नहीं, आपको ये चीज़ बदलनी चाहिए अगर आप मुझसे पूछते हो तो, अगर आपको मेरी बात का कोई फ़र्क पड़ता है तो। तो आई होप आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, ज़रूर मिली होगी, मुझे पता है ज़रूर मिलती है, जब हम किसी भी को सुनते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। तो आई होप, मुझे यकीन है कि आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलो सब्सक्राइब करो, करो सब्सक्राइब, चलिए करो, चल कर करो सब्सक्राइब, इसने भूल दिया, ठीक है, तो मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय 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 बाय।